के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को शादी होनी है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए खरीदारी करने 24 जून को वाराणसी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे और उन्हें शादी का न्योता भी दिया था। नीता अंबानी खरीदारी के लिए बनारस के कई साड़ी लूम पर खुद गईं। उन्होंने शादी में आने वाले रिश्तेदार और विदेशी मेहमानों के लिए लगभग 50 से 60 साड़ियां तुरंत खरीदी। नीता अंबानी ने साड़ी बनते हुए देखी, उसके बाद कई सारे अलग अलग लूमों को अलग अलग वैरायटी की साड़ियों का ऑर्डर दिया। अंबानी परिवार की शादी के लिए मिले साड़ियों के ऑर्डर से बनारसी बुनकरों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। अंबानी परिवार के इस ऑर्डर से बनारसी साड़ी की दिशा और दशा बदलेगी। बनारसी साड़ी का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन एक बार फिर बनारसी साड़ियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगी, क्योंकि अनंत अंबानी की शादी में काफी वीवीआईपी मेहमान, बॉलीवुड हॉलीवुड समेत विदेशी मेहमान भी आएंगे। अंगिका हथकरघा के मालिक ने इन साड़ियों के ऑर्डर के संबंध में पूरी जानकारी दी है। वो देखिए, नीता अंबानी जी आई और जो नीता अंबानी मैम थी, उन्होंने हमारा पूरा लूम विजिट किया, सब कुछ उन्होंने देखा और उन्होंने ऑर्डर दिया। और फिर इसके बाद उन्होंने हम लोग के साथ और भी बहुत से बुनकर लोग को, मास्टर्स व्यूअर को उन्होंने होटल ताज में एकत्रित किया और वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर उन्होंने साड़ी देखा और काफ़ी साड़ी उनको पसंद आई और उन्होंने बहुत से साड़ी अपने लिए खरीदा और अपने फैमिलीज के लिए खरीदा। बाकी कुछ उनके डेलीगेट्स जो आने वाले हैं, फॉरेन विजिटर जो साड़ी में शादी में आने वाले हैं, उनके लिए भी उन्होंने साड़ी खरीदा। तो करीब आपका 50 से 60 पीस साड़ी तो उन्होंने तुरंत ही खरीदा वहाँ होटल ताज में हम लोगों से लिया। और उन्होंने कुछ साड़ी का ऑर्डर भी दिए, जैसे मुझे 15 से 20 साड़ी का ऑर्डर मिले और भी सबको कुछ साड़ियों के ऑर्डर्स मिले। और उसके बाद उन्होंने कुछ साड़ी उन्होंने अपना मुंबई में मंगाया है देखने के लिए, जो कि वहाँ पहुँच गई होगी और उसमें से भी वो 200-300 साड़ी परचेस करेंगी, जो कि वो साड़ी में गिफ्टिंग के लिए मतलब देने के लिए वो परचेस करेंगी। तो कुल मिला के जितने भी शादी में साड़ियाँ और सब कुछ जा रहे हैं, वो पूरे बनारस के ही साड़ी जा रहे हैं। और बनारसी साड़ियों की एक ये भी खासियत है कि वो जो साड़ी सारे बने हुए हैं, वो आपके सच्ची जरी में बने हुए हैं, जिसको हम लोग रियल जरी कहते हैं। और उसमें आपके पूरे चांदी और सोने की तार लगी रहती हैं। चांदी जिसमें आपका 58% से 60% होता है चांदी, और 1.5 ग्राम उस पर 1.5% आपका सोना की कोटिंग की रहती है, गोल्ड की कोटिंग की रहती है, तो उसको हम लोग सच्ची जरी बोलते हैं। तो वो पूरा सोने चांदी की समझो वो तार से बना हुआ रहता है। और जो साड़ियों की दाम रहती हैं, वो आपका 1-1.5 लाख से शुरू होकर 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी जाती हैं। और साड़ी जो 5 लाख 6 लाख तक साड़ी जाती है, उनको बनने में भी काफ़ी समय लगते हैं, और करीब 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं कुछ साड़ियों को बनने में। कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिनको 4-4 महीने तक लग जाते हैं बनने में। आपको कितनी साड़ियों का ऑर्डर मिला है, क्या वैरायटी है उस साड़ियों का? हमें देखिए, जो साड़ियों के ऑर्डर मिली है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ जो हैं वो रियल जरी की भी ऑर्डर मिली है। तो हमने जो 10 से 15 साड़ी मुझे बनाने हैं, वो रियल जरी में बनाने हैं। बाकी हमारे साड़ी की ये भी खासियत है कि आप उसको साड़ी को जब भी आप पीछे पलट के देखोगे, तो उसमें पूरा आपके कड़ुआ वीव मिलेगा, कड़ुआ बुनाई मिलेगी। अलग अलग तीली सिरकियाँ रहती हैं, उससे कारीगर काट के उसको बनाते हैं। तो उसमें पूरे आप साड़ी देखोगे तो वो पूरे कड़ुए टेक्निक से बना रहता है। तो इस तरह से मुझे 15 से 20 साड़ियाँ के ऑर्डर मिले हुए हैं। अभी उनका काम चल रहा है आपके लूम में, कब तक उस साड़ी को डिलीवर करना है, कैसे कारीगर उसको बनाते हैं, कितना समय लगता है? देखिए, काम तो बहुत पहले से चल रहे हैं उनके, वो जो रिसेंटली है उन्होंने वो ऑर्डर तो दिया ही, लेकिन इससे पहले कि बहुत से भी काम चल रहे हैं। कुछ साड़ी वहाँ पे पहुँच भी चुकी हैं और कुछ बन रहे हैं, कुछ काम बन रहे हैं जो कि कुछ दिन में आ जाएगी, तो वो भी हम लोग उनको डिलीवर करा देंगे। कब तक देना है, कोई डेडलाइन है? जैसे बताया जा रहा है 30 जून तक साड़ी उनके। हाँ, वो 30 जून तक या आप 2 से 3 मैक्सिमम आपका 3-4 जुलाई तक साड़ी उनको वहाँ पे पहुँच देना है। और बाकी कुछ साड़ियाँ गए हुए हैं, वो भी वो लोग 3-4 जुलाई तक ही फाइनल करेंगे, क्योंकि वो साड़ी में कुछ आगे और उनको काम कराना है, तो वो सब काम उसमें होते रहते हैं। तो इस वजह से वो 3-4 जुलाई या तक वो डेडलाइन है, वो वहाँ तक देने के लिए। उन्होंने कैसी साड़ियाँ अपने लिए चूज की हैं, अपनी बहू के लिए, राधिका जी के लिए कैसी? वो अपने लिए देखिए, जो साड़ियाँ चूज की वो कहा, ये तो एक बहुत से उन्होंने जंगले साड़ी ली हैं, ज़्यादातर उन्होंने
रानी कलर के पिंक कलर के साड़ियाँ पसंद की, और भी बहुत से गाढ़ा कलर के साड़ियाँ पसंद की उन्होंने, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक साड़ी जो उन्होंने परचेस किया कहा जा रहा है वो आपका हजारा बूटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका 34 से 35 हज़ार बूटी रहती है, काफ़ी ट्रेडिशनल साड़ी है, उसमें कुनिया भी होती हैं, बॉर्डर के पास कुनिया भी लगे होते हैं, वो साड़ी उन्होंने पसंद किया है उसको पहनने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि जो हजारा बूटी साड़ी जो उन्होंने पसंद किया है वो बनारसी साड़ी का अपना एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है और कहीं नहीं है, वो डिज़ाइन सिर्फ बनारस का ही अपना एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है? देखिए बनारसी साड़ी जो है वो तो बनारस में ही बन रही है और कहीं वो बन भी नहीं बनती नहीं है, अलग अलग जगह की अलग अलग ट्रेडिशन साड़ी है, जैसे आपका पैठनी हुई वो अलग जगह की, जमदानी बंगाल की अलग जगह की, बनारस में आपकी जो बनारसी साड़ी बनती है वो है तो आपका वो यहीं पे बनती है, तो वो जो हजारा बूटी या जो भी आप साड़ी जितने भी साड़ी है वो वहाँ बनारस में ही बनारस के बुनकर बना रहे हैं और यहीं पे बनारस में ही बन रही है। वहीं जिस कारीगर की साड़ी को नीता अंबानी ने पसंद किया उस कारीगर की प्रतिक्रिया कैसी रही सुनिए। कि हम लोग तो कारीगर व्यक्ति हैं बनारस के, बहुत पुराने हमारे भी पिताजी भी थे, दादाजी भी थे, इसी कार्य से लगे हुए हम लोग को तो है। अब पसंद की बात यह है कि वो जो साड़ी बनी है उसका हम लोग ने नाम दिया है लखा बूटी, और वो साड़ी चुंदरी बूटी टाइप की साड़ी है। उसका खासियत यह है कि आँचल के पास उसमें एक कुनिया बना हुआ है, वो कुनिया बनाने का मतलब कि जो पूरी साड़ी हम तैयार करते हैं तो एक बार लूम सेटअप करते हैं तो एक साड़ी हम तैयार कर देते हैं, लेकिन उस साड़ी को हमको 3 बार लूम तैयार करने पर तब वो पूरी साड़ी तैयार हुई है। स्पेशल जी हाँ, हिंदू धर्म में जैसे कि चुंदरी बूटी होता है शादी ब्याह में, चुंदरी और पियरी का एक जमाना होता है हिंदू धर्म के रिवाज में, शादी होता है तो चाहिए, लेकिन उसी टाइप की वो साड़ी बनी हुई चुंदरी बूटी की तरह ही लगेगी वो साड़ी। उसको बनाने में हमको 60 से 62 दिन लगे थे। जी कैसे पसंद की, आप क्या कहना चाहेंगे आपके हाथों का बना साड़ी इतने बड़े बिजनेस करके? अगर हिंदुस्तान के जाने माने उद्यमी हैं और नीता अंबानी जी अगर मेरे हाथों का साड़ी बनाया हुआ उस पार्टी में पहनेंगी तो उस दिन अगर सोशल मीडिया पे सारे लोग देखेंगे, नेटवर्क सारे न्यूज चैनल पर चलता ही रहेगा, तो जहाँ पर मैं बैठा रहूँगा उसके आसपास के लोग रहेंगे, मेरे मित्र यार रहेंगे, तो मैं भी कहूँगा कि देखो ये मेरे हाथ की साड़ी हुई बनी हुई है जो आज नीता अंबानी जी ने पहना हुआ है। मुझे तो पसंद की तो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है यहाँ पे कि सारे लोग बता रहे हैं आपके हाथ की बनी हुई, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि नीता अंबानी जी इतने बड़े उद्योगपति के घराने से हैं तो वो पहनेंगी तो एक अच्छा सा हमको भी लगेगा, और मैं देखूँगा कि नहीं मेरी साड़ी पहने हुई हैं। आपको बता दें कि राधिका आनंद के 2 ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन हो चुके हैं। अभी हाल ही में इटली में एक शानदार क्रूज पर कपल ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाया था। अब 12 जुलाई को विवाह, 13 जुलाई को आशीर्वाद समारोह और 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा।